हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय मेरे भाई। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं आपके पर्सन की अभी इस वक्त। सबसे पहले हम रून से देखेंगे, रून से हम एनर्जी चेक करने के बाद फिर टैरो से भी कंफर्मेशन ले लेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स, अभी जिसके बारे में भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जी। करंट एनर्जी में यहाँ पर जो दिख रहा है वो तो काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर वी हैव यूनियन वाइब्रेशन, बहुत सारे लोगों का यूनियन या तो हुआ है आज के दिन में या आने वाले समय में होने वाला है। और काफ़ी कमेंट्स मैंने एक एक करके पिन किए हैं और बहुत सारे लोगों का आज यूनियन के कमेंट्स ऑलरेडी आए हुए हैं दोनों चैनल पे। तो जिनका भी यूनियन हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आने वाले समय में और यूनियंस भी होने वाले हैं, तो सब्र रखिए, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। देन वी हैव यहाँ पर फेहू की एनर्जी। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं ना जो चाहते हैं कि उनका जल्द से जल्द कमिटमेंट उनको मिल जाए, जल्द से जल्द उनको उनके पर्सन की तरफ से मैसेज आ जाए, जल्द से जल्द उनको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। तो किसी तरह की न्यूज़ आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रही है, तो आप बहुत जल्दी किसी न्यूज़ को रिसीव करने वाले हैं। ये यहाँ पर बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है। देन वी हैव काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पेरेंट्स की वजह से, सोसाइटी की वजह से, समाज की वजह से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं आपको। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है इसमें स्टैंड लेने की जो शक्ति है, अथॉरिटेटिव जो डिसीजंस लेने की शक्ति है, साथ ही साथ डिवाइन ब्लेसिंग्स। यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन के ऊपर दैवीय शक्तियों का बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन है, जिसकी वजह से आपके पर्सन मुसीबतों से लड़कर आपके लिए स्टैंड लेकर आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन मैसेज भी करेंगे, कॉल भी करेंगे, यूनियंस भी होंगे, स्टैंड भी लेंगे। काफ़ी लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है। देन कुछ लोगों के साथ यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके और आपके पर्सन के कुछ पेंडिंग कर्माज हैं, और जब तक वो पेंडिंग कर्माज पूरी तरह से हील नहीं हो जाते, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सोशल वर्क करने की ज़रूरत है, हो सकता है आप लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करें तो आपके कुछ कर्मा हील हों। ठीक है, किसी नीडी की, किसी को अगर हेल्प चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई नीडी है और वो सच में नीडी है, तो आप उसकी मदद ज़रूर करें। अदरवाइज़ ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर अंधे बच्चे हैं या गूंगे बहरे बच्चे हैं, एबनॉर्मल बच्चे हैं, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर बुज़ुर्ग लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसे बच्चों को, ऐसे अनाथ बच्चों को या ऐसे लोगों की अगर आप कोई मदद करें, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, कोई ऐसा कर्मा एसोसिएटेड है जिसकी वजह से शादीशुदा ज़िंदगी आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, या आपकी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहे, आपका कोई काम बन नहीं रहा है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप पैसे से अगर मदद नहीं कर सकते, कई लोग ऐसे कहेंगे कि मैम पैसा ज़रूरी थोड़ी है कि हमारे पास हो कि हम मदद करें, तो ये भी हो सकता है। तो अगर आपके पास फाइनेंशियली उतना आप अबंडेंट नहीं है, तो किसी और तरीके की मदद भी आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो आप एक बार, दो बार, तीन बार के बाद यूज़ नहीं करते, वो वेस्ट पड़ी होती है। बहुत सारे ऐसे क्लोथ्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं, टॉयज़ होते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के टॉयज़ होते हैं, बच्चों के कपड़े होते हैं, जो कि एक बार के बाद कोई यूज़ नहीं करता, या मैक्सिमम दो तीन बार, ठीक है, उसके बाद या तो वो छोटे हो जाते हैं या तो वो एक तरह से वेस्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके घर में ही कोई मेड आ रही है, कोई सर्वेंट आ रही है, या कोई ऐसा आ रहा है जिसके बच्चे हैं या वो कहीं यूज़ हो सकता है, तो वो चीज़ें आप कीजिए, ठीक है। तो आपके पर्सन जहाँ पर रुकावट आ रही है ना, उनको हीलिंग मिलेगी, साथ ही साथ अगर ये खुद करें तो इनको ज़्यादा हीलिंग मिलेगी। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अपने पहने हुए कपड़े दान नहीं देने चाहिए, तो उसको आप पहले एक बार वॉश करें और उसमें नमक डाल दें, ठीक है, वॉश करते टाइम थोड़ा सा नमक डाल दें, उसमें से आपकी पूरी एनर्जी क्लींस हो जाएगी, उसके बाद वो कपड़े आप दान दें, फ्रेश कपड़े दान देने चाहिए, ठीक है। कभी भी पहने हुए कपड़े नहीं दान देने चाहिए, वो अगर गलत हाथों में लगे तो टोना टोटका भी हो सकता है।
तो इसलिए हमेशा नमक के पानी में उसको बढ़िया से वॉश कर लें, उसके बाद सुखा उखा के उसके बाद आप जिसको दान देना आप दे सकते हो, उसमें से फिर आपकी एनर्जी पूरी तरह से क्लेंज हो जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन की जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में है, आइसोलेशन में है, ये बिल्कुल किसी से ना बात करना ना चीत करना, अपने घर वालों का भी चेहरा देखने का इनका मन नहीं है, बिल्कुल अकेला जैसे होता है ना, एकदम वीरान सी इनकी ज़िंदगी है, बिल्कुल अलोन रहना पसंद कर रहे हैं, इस तरह की वाइब्रेशन है। तो हो सकता है कि साइलेंट जोन में हो, आपसे अभी बात नहीं कर पा रहे हैं, बट आने वाले समय में डेफिनेटली यहाँ मैसेजेस की एनर्जी है, तो इनको हील हो जाने दीजिए, रिकवर हो जाने दीजिए। जैसे जैसे हीलिंग होती जाएगी वैसे वैसे आपके पर्सन आपके पास रिटर्न आएंगे, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन है यहाँ पर थ्रू रूनस। देखते हैं टैरो से क्या निकल कर आता है एनर्जी में। कहाँ गया डेक? विल टेक रैंडमली 5 कार्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज यहाँ पर जो वाइब्रेशन है उसके अकॉर्डिंग आपने देखा यहाँ पर दो दो मेजर अरकाना आए हैं, वी हैव जजमेंट एंड डेथ। तो कुछ तो यहाँ पर ख़त्म करने का निर्णय आपके पर्सन ले रहे हैं, एक मेजर शिफ्ट, एक मेजर चेंज, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आपको पता है कि मार्स, ठीक है, लॉर्ड हैं स्कॉर्पियो राशि के, और स्कॉर्पियो राशि में इस वक्त मंगल है, तो मंगल की जो एनर्जी है वो इनको अग्रेशन देगी। मंगल क्या है? सेनापति है, ठीक है। सेनापति क्या करते हैं? सेनापति लीड करते हैं। सेनापति कभी ये नहीं बोलते नहीं नहीं भागो भागो पीछे हटो पीछे हटो, नहीं, सेनापति जान दे देंगे लेकिन अपने पूरे लोगों को यही मोटिवेशन देंगे कि नहीं हमें लड़ना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें जीतना है, ठीक है। तो आपके पर्सन के अंदर ये मोटिवेशन आपको दिखेगी मंगल की, कि आपके अंदर जो एग्रेशन है कि यार मेरा पर्सन मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है, उनको वो चीज़ें रिसीव होगी, वो आपके लिए इस कनेक्शन के लिए इतना अग्रेशन अपने अंदर ले आएंगे कि वो एक्शन ले सके। और ये स्कॉर्पियो की ही एनर्जी है, डेथ का कार्ड स्कॉर्पियो का है, ठीक है, लिब्रा से स्कॉर्पियो में गए हैं मंगल, और ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। देन वी हैव 144, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, सो वी हैव 144 वाइब्रेशन। तो यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके लाइफ में आप राइट डायरेक्शन में हैं, तो आपको यूनियन रिसीव होगा और बहुत जल्द होगा। चाहे कितने भी टाइम पीरियड से ब्रेकअप सिचुएशन हो, आपके पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते, ये हर तरीके से आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये अगर नो कॉन्टैक्ट में भी हैं तो ये आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करेंगे, ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। थोड़ा सा इस वक्त इनका मूड स्विच हो सकता है, कभी बहुत पोलाइट वे में, कभी बिल्कुल अग्रेसिव वे में हो सकते हैं, तो ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है, लेकिन निर्णायक एनर्जी है, तो आपको सपोर्ट करना है, पॉजिटिव रहना है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, प्लीज गाइड करें एंजल्स, इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है और कब तक होने वाला है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सोलर प्लेक्सस, मूविंग ऑन, विजडम, वन मोर कार्ड, ओके, वी हैव फुलफिलमेंट ऑफ विशेज विद मेमरीज ऑफ लव, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव मदर गायाज एनर्जी, यूनिवर्स, द वर्ल्ड की एनर्जी है। सो यहाँ पर जो वाइब्रेशन है इसके अकॉर्डिंग 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, आने वाले 7 आवर्स, 16 आवर्स या 25 आवर्स की एनर्जी हो सकती है। इन 25 घंटों के अंदर आपके पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा करेंगे, इनके जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो काफ़ी हद तक हील होंगे। आपके और आपके पर्सन के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हैं या ऑलरेडी कोई है इनके लाइफ में, तो ये वहाँ से मूव ऑन करने के बारे में प्लान कर रहे हैं।
किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की इनकी खुद की विश है। एंड वी हैव द वर्क की एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली बता रही है कि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी पर कोडिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। यहाँ पर लव लाइफ को लेकर, हारमोनियस यूनियन को लेकर, परमानेंट यूनियन को लेकर यहाँ पर कोई बड़े एक्शंस हो सकते हैं, और ये जो एक्शंस है ये मैरिज से रिलेटेड है, कमिटमेंट से रिलेटेड है। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। सो यहाँ पर 7 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एक बात 7 नंबर से और याद आ रही है, 7 नंबर केतु का है, ठीक है। इस वक्त मैं बता दूँ कि जैसा कि मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बनाए हुए हैं, केतु वर्गों में और राहु मीन में है 18 महीनों के लिए। तो केतु की एनर्जी में इस वक्त जो है ना, आप ये नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ से सतर्क रहने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके साथ कट बर्न या सडनली कोई पॉइजनस चीज़ या पॉइजन से रिलेटेड न्यूज़ या बहुत ज़्यादा स्नेक्स से रिलेटेड वीडियोस या आपके आसपास से स्नेक्स दिखना या डॉग का खतरा कि कहीं बाइट ना कर ले, इन चीज़ों से भी आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, स्पेशली 30 नवंबर तक इन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा फोकस्ड रहना है। 7 नंबर केतु का है तो इसलिए मुझे ये चीज़ें आपको बतानी थी तो मैंने बता दी। देखते हैं एंजल्स आपको आज के दिन में क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। फाइनेंशियल पिंच यहाँ पर हो सकता है, कुछ लोगों को सडनली फाइनेंशियली किसी तरह का बहुत बड़ा झटका लगे, या हो सकता है कि फाइनेंशियल सिचुएशंस में कोई मेजर चेंज आए, कोई बर्थ से रिलेटेड न्यू बेबी बॉर्न से रिलेटेड कोई खबर एंजल्स कह रहे हैं आपको मिल सकती है। इसके अलावा आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में चेंज आ सकता है, कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आपका इंटरेस्ट दिलचस्पी जाग सकती है। आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपकी इंट्यूशन पर बिलीव करिए, अगर आपके अंदर डिवाइन है तो आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो सोल है वो कभी गलत नहीं होगी। आप गलत हो सकते हैं, आपका दिमाग गलत हो सकता है, आपकी ज़ुबान गलत हो सकती है, लेकिन आपकी सोल कभी आपको गलत गाइडेंस नहीं देगी। तो हमेशा अपनी एबिलिटीज़ पर, साइकिक एबिलिटीज़ पर, अपने इंट्यूशन पर हमेशा बिलीव करें। यहाँ पर घमंड से बचें, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी बात का घमंड कर रहे हैं, तो अगर आपके अंदर किसी भी तरह का घमंड है तो उससे बचें। और मैं क्या करती हूँ, अगर कभी, पहली बात तो घमंड होता नहीं है किसी भी चीज़ का, क्योंकि अभी कुछ ऐसी मैंने अचीवमेंट की नहीं है, कभी भी घमंड जैसे थोड़ा भी अगर कोई गलती भी हो जाए बाय चांस, तो मैं शमशान पे जाके बैठ जाती हूँ। शमशान हमारे यहाँ बनारस में मणिकर्णिका घाट सबसे बढ़िया जगह है आपके घमंड को चकनाचूर करने के लिए। जब कभी भी, बनारसियों में से तो ज़्यादातर लोगों को पता है कि घमंड नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, बट स्टिल अगर कभी भी ऐसा लगे कि आप परेशान हैं या आपको किसी भी तरह की टेंशन है, या आपको कभी भी ऐसा आपको लगता है कि आपने किसी को अपशब्द कह दिए, या आपसे कोई जाने अनजाने गलती हो गई, या आपको सच में अगर किसी बात का घमंड है, तो थोड़े टाइम के लिए वहाँ जाकर बैठ जाइए, सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव कैमल। यहाँ पर जो एनर्जी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, स्पेशली आपके पर्सन, लेकिन धीरे धीरे चल के वो सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा स्टूपिड बिहेव किए हैं, हो सकता है आपसे कोई गलती हो गई हो, कुछ ऐसा आपने बोल दिया हो, स्टूपिडिटी लगी हो बाद में आपको कि यार मैंने ऐसा कैसे बोल दिया, इतनी छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया, तो इस तरह की भी कोई गलती या तो हो चुकी है या होने वाली है, तो थोड़ा सा अवेयर रहें। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग और कुछ गाइडेंस। होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।